कोई बात नहीं, इस बार आप लोग सरकार को कैंसिल कर देना। कोई धर्म के नाम पे वोट मांगता है, कोई जाति के नाम पे वोट मांगता है। जब से हमने कहना चालू किया कि हम गारंटी दे रहे हैं, उन लोगों ने, बाकी पार्टी वालों ने भी शुरू कर दिया गारंटी दे रहे हैं। गारंटी उन्होंने भी दी थी, 15 लाख की गारंटी दी थी, आए 15 लाख? नहीं आए। वो झूठ बोलते हैं, उनको पता है, शुरू से ही पता है उनको कि उन्होंने काम नहीं करना। बाकी पार्टी वाले क्या करते हैं, जब सरकार बन जाती है 4.5 साल तक कोई काम नहीं करते, केवल लूटते हैं। आखिरी के 6 महीने में दिखाने के लिए कुछ 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 शुरू कर देते हैं। नीयत की कमी है, इनकी नीयत खराब है, इन सारे पार्टी वालों की, इनकी नीयत खराब है। आपके बच्चों की जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं, कोई पार्टी नहीं लेगी, किसी में दम नहीं है, कोई करना नहीं चाहती। आपके बच्चों की गारंटी ले रहा हूं, ये लोग आपके बच्चों को जानबूझ के अनपढ़ रखना चाहते हैं, बेरोजगार रखना चाहते हैं, किसानों और आदिवासी समाज के लिए। लेकिन इस आखिरी गारंटी का इंतजार करना पड़ेगा, मैं दोबारा आऊंगा। ये बहुत बड़ी गारंटी है किसानों की और आदिवासी समाज की, बहुत बड़ी गारंटी है। केजरीवाल की गारंटी है, पक्की गारंटी है, दूसरे नेताओं की तरह नहीं है। आप लोगों से मेरी बस गुजारिश ही है, हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, हम नेता नहीं है, हम आम लोग हैं। आम लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई है, आप ही की तरह हैं। हमें राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है। एक बार राजनीति छोड़ के काम के लिए वोट दे के देखो। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मुझे बताया गया है कि ये हॉल काफी छोटा पड़ गया, इतने ही लोग उधर हॉल के बाहर भी बैठे हुए हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं। और हम लोग कोशिश की थी 2-3 और बड़े बड़े हॉल लेने की, लेकिन सरकार ने उनको कैंसिल कर दिया। कोई बात नहीं, इस बार आप लोग सरकार को कैंसिल कर देना। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। दूसरी पार्टियों में आप देखते हो कितनी गुंडागर्दी होती है। जो बातें हम करते हैं, मुझे नहीं लगता आज तक भारत की राजनीति में किसी ने इस किस्म की बातें की होंगी। जब भी पार्टियां, चुनाव होता था, आके वोट मांगती थी, कोई धर्म के नाम पे वोट मांगता है, कोई जाति के नाम पे वोट मांगता है। मैंने आज तक, भारत को आजाद हुए अब 76 साल हो गए, 76 साल में एक भी दूसरी पार्टी को, मैंने ऐसी पार्टी को नहीं देखा जो आपके आके कहे कि आपके आपके स्कूल बनवा दूंगा इसलिए वोट दे दो, आपके लिए अस्पताल बनवा दूंगा इसलिए वोट दे दो। एक भी पार्टी आज तक नहीं आई, अकेली पार्टी है जो मुद्दों की बात करती है। हम नेता नहीं है। मैं पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। भगवंत मान बहुत बड़े कॉमेडियन थे, खूब पैसा कमाते थे। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, चाहता तो जितने मर्जी पैसे कमा सकता था, तो पैसा कमाने तो नहीं आए राजनीति के अंदर। अन्ना आंदोलन हुआ, उसके बाद एक पार्टी बनी, किसी को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि एक नई पार्टी इतनी जल्दी उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन जनता का प्यार था, जनता का भरोसा था, हमने तो कुछ किया नहीं था। लोगों को लगा यार ये लड़के बड़े शरीफ हैं, देशभक्त हैं, जिद्दी तो हैं। लोग कहते हैं केजरीवाल जिद्दी बहुत है, जिद्दी तो हैं, काम करने की जिद है, देश को ऊपर ले जाने की जिद है। जैसे ही हमारी पार्टी बनी, पहली बार दिल्ली में सरकार बनी, सबने कहा अरे ये वन टाइम वंडर है, एक बार ही बन गई है इनकी, अब दोबारा नहीं होने वाली। भाई साहब दिल्ली में 3 बार लोगों ने हमारी सरकार बनाई है, 3 बार, और वो भी कोई छोटा मोटा बहुमत नहीं, 70 में से 67 सीट बीजेपी।
बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 0 सीट। दूसरी बार 70 में से 62 सीट आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को 0, बीजेपी को 8। अभी पंजाब में 117 में से 92 सीट सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे हम लोग, नहीं? ऐसे तो जनता वोट देती नहीं, कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। आज आपके बीच में आए हैं, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, आपकी बात करेंगे, आपके परिवार की बात करेंगे, आपके बच्चों के भविष्य की बात करेंगे, इधर उधर के झूठे वादे नहीं करेंगे। पहले होता था, जैसे अभी मान साहब ने बताया, चुनाव होता था, एक मैनिफेस्टो निकाल देते थे, जो नेता मैनिफेस्टो लेके खड़े होते थे ना यूं स्टेज पे, उन्होंने ही नहीं पढ़ा होता था उस मैनिफेस्टो में क्या है, झूठ बोलते थे। फिर हमने शुरू किया केजरीवाल की गारंटी। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, सर कटा देंगे, लेकिन जो इसमें लिखा है एक एक पूरा करके देंगे, भरोसा है लोगों को। और जब से हमने कहना चालू किया कि हम गारंटी दे रहे हैं, उन लोगों ने, बाकी पार्टी वालों ने भी शुरू कर दिया, गारंटी दे रहे हैं, गारंटी उन्होंने भी दी थी, 15 लाख की गारंटी दी थी, आए 15 लाख? नहीं आए, वो झूठ बोलते हैं। उनको पता है, शुरू से ही पता है उनको कि उन्होंने काम नहीं करना, उनको शुरू से ही पता है। इसीलिए केजरीवाल की गारंटी अलग है, बाकी पार्टियों की गारंटी अलग है। आज मैं आपको केजरीवाल की 10 गारंटी देके जा रहा हूं। ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये झूठा संकल्प पत्र, पता नहीं क्या क्या कहते हैं ये लोग, ये झूठा वो नहीं है, ये केजरीवाल की 10 गारंटी है। केजरीवाल मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन अगर हमारी सरकार बनी, एक एक गारंटी पूरी करेंगे। और जैसा अभी मान साहब ने बताया, बाकी पार्टी वाले क्या करते हैं, जब सरकार बन जाती है 4.5 साल तक कोई काम नहीं करते, केवल लूटते हैं, आखिरी के 6 महीने में दिखाने के लिए कुछ 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 शुरू कर देते हैं। हम उल्टा करते हैं, जैसे ही सरकार बनती है हम काम करना शुरू करते हैं। अभी पंजाब में हमारी सरकार बनी बनी है, 1.5 साल भी नहीं हुए, इन 10 में से 6 या 7 गारंटी तो पंजाब में पूरी भी हो गई, कर भी दी हम लोगों ने। तो सबसे पहली गारंटी, छत्तीसगढ़ में बिजली तो खूब बनती है, छत्तीसगढ़ में सरप्लस स्टेट है, बिजली के लिए सरप्लस स्टेट है छत्तीसगढ़, जो बिजली बनाता है वो दूसरे राज्यों को बेचता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अपने लोगों को बिजली नहीं मिलती। गलत तो नहीं बोल रहा? मेरे को भी बगल में बैठे भाई बता रहे थे कि गांव के अंदर तो 5-6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती, शहरों में भी लंबे लंबे पावर कट लगते हैं, लगते हैं कि नहीं लगते? 24 घंटे बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली में भी पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। हमारी सरकार 2015 में बनी थी, 2014 याद है मेरे को दिल्ली में, 2014 की गर्मियों में 7-7, 8-8 घंटे बिजली नहीं आती दिल्ली में, अब 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब में सरकार बने 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल पहले यहां पे पंजाब के कई लोग दिख रहे हैं, आप फोन करके पूछ लेना, नेट पे देख लेना, पंजाब में लंबे लंबे पावर कट लगते थे 1.5 साल पहले तक, हमारी सरकार बनने के पहले। केवल 1.5 साल के अंदर पंजाब में ऐसी व्यवस्था कर ली, अब 24 घंटे बिजली आती है पंजाब के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर भी 24 घंटे बिजली आया करेगी, बिजली की कमी नहीं है, नीयत की कमी है, इनकी नीयत खराब है, इन सारे पार्टी वालों की इनकी नीयत खराब है, 24 घंटे बिजली मिला करेगी। तो बिजली में पहली बात, 24 घंटे बिजली मिलेगी, दूसरा फ्री बिजली मिलेगी, ये मैजिक है, 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली, ये दुनिया में किसी को मैजिक नहीं आता।
ये जादू है, ये केवल मेरे को आता है, ये ऊपर वाले से वरदान मिला है मेरे को, केवल केजरीवाल को आता है। 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली, अमेरिका में भी नहीं आती, इंग्लैंड में भी नहीं आती, टोक्यो में भी नहीं आती, फ्रांस में भी कहीं नहीं आती, केवल दिल्ली में आती है, और अब पंजाब में भी फ्री बिजली मिलने लग गई लोगों को। तो 300 यूनिट बिजली हर महीने, 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिला करेगी। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अभी मान साहब ने बड़ी मार्मिक कहानी सुनाई कि कैसे एक दूध बेचने वाले भाई ने बताया कि जब वो दूसरे दूध बेचा करता था, पहले ढाई ढाई महीने के बाद पेमेंट मिलती थी, और जब से बिजली फ्री हो गई, हर महीने उसको पेमेंट मिलने लग गई, क्योंकि लोगों के पैसे बचने लग गए। आज इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इन नेताओं को क्या पता, इन्होंने तो पता नहीं कितने करोड़ों अरब रुपए कमा रखे हैं सात सात पुश्तों के लिए। आम आदमी से पूछो ना, उसका घर नहीं चल रहा। जब हम कहते हैं बिजली फ्री करेंगे, ये कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अरे जनता से पूछो, ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं कि जनता की मदद कर रहे हैं हम लोग? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए फ्री? अच्छा, दूसरी चीज मेरे को बताया गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फर्जी बिजली के बिल आए हुए हैं। किसी का 10,000 का बिल भेज देते हैं, किसी का 40,000 का बिल भेज देते हैं। गलत तो नहीं कह रहा? फिर चक्कर काटते रहो इनके। 40,000 का बिल भेज देते हैं, बिजली दफ्तर के चक्कर काटो। बाबू कहता है 5,000 रुपए दे तो तेरा 40,000 का बिल कम कर दूंगा, ऐसे ही कहते हैं ना। धंधा बना रखा है इन्होंने। तो मान लो हमारी सरकार आ गई और हमने कह दिया बिजली 300 यूनिट फ्री, लेकिन आपका तो पुराना 40,000 का बिल है, उसको क्या करोगे? जब तक वो 40,000 नहीं भरोगे, वो आपको फ्री देंगे नहीं। तो दिल्ली में भी हमने करा, पंजाब में भी करा, छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। नवंबर तक के जितने पुराने बकाया बिल हैं सारे माफ। पंजाब में करा था चुनाव के पहले तक के, दिसंबर तक, फरवरी में चुनाव हुए थे, फरवरी में पंजाब में। जैसे पंजाब में फरवरी में चुनाव हुए थे, तो दिसंबर तक के पूरे पंजाब के लोगों के जितने बकाया बिल थे दिसंबर तक के, सारे माफ कर दिए एक बार में हमने। उससे क्या फायदा हुआ? लोगों को अब चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, सारे पुराने बिल माफ हो गए। कई ऐसे लोग थे जिनके गलत बिल आए हुए थे, 40-40, 50-50 हजार रुपए के गलत बिल थे, फिर वो आके बिजली का कनेक्शन काट जाते हैं, फिर उस आदमी को डंडी डाल के बिजली का कनेक्शन लेना पड़ता है, फिर उस पर चोरी का के, सब खत्म हो गया। लोगों ने एक नंबर में कनेक्शन ले लिए, सबके पुराने बिल माफ हो गए, नए बिल आने बंद हो गए, जनता में खुशहाली हो गई। तो पहली गारंटी बिजली की गारंटी, मंजूर है? दूसरी गारंटी शिक्षा की गारंटी। आपके बच्चों की जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं, कोई पार्टी नहीं लेगी, किसी में दम नहीं है, कोई करना नहीं चाहती। आपके बच्चों की गारंटी ले रहा हूं, ये लोग आपके बच्चों को जानबूझ के अनपढ़ रखना चाहते हैं, बेरोजगार रखना चाहते हैं। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की गारंटी मेरी है। आपका बड़ा भाई बनके, आपका बेटा बनके, आपके परिवार का सदस्य बनके, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मैं दिलाऊंगा। जितने सरकारी स्कूल हैं, आज मैं देख रहा था, आने के पहले छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। कई स्कूल तो बंद कर दिए इन्होंने, कई स्कूल हैं जिसमें 10-10 क्लास हैं और एक टीचर है। कई टीचर हैं जो बेचारों को तनख्वाह नहीं मिली कई कई महीनों तक। कई टीचर है जो कच्चे हैं, वो उनको तनख्वाह नहीं मिलती, उनकी नौकरी का कुछ अता पता नहीं है। टीचर है, उनसे टीचिंग के अलावा सारे काम कराते हैं, टीचिंग नहीं कराते बस। तो दोस्तों, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के इंटरनेट पे जाके देख लेना, जितने दिल्ली में रिश्तेदार हैं उनसे पूछ लेना फोन करके,
दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को चमका दिया, हम लोगों ने शानदार बना दिया। आजादी के बाद से आज तक 75 साल में पहली अकेली सरकार आई है जिसने शिक्षा के ऊपर इतना जोर दिया है। आज मेरे दिल्ली के स्कूलों के नतीजे, सरकारी स्कूलों के नतीजे दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल जिसमें एडमिशन लेना मुश्किल है, लंबी लंबी लाइनें लगी होती है प्राइवेट स्कूलों की, 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के दिल्ली में सरकारी स्कूल में भर्ती हो गए। इतने शानदार सरकारी स्कूल बना दिए। अब दिल्ली के सरकारी स्कूल में एक ही डेस्क पे रिक्शे वाले का बेटा, जज का बेटा और आईएएस अफसर का बेटा एक ही डेस्क पे बैठ के एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। तो आपके सारे सरकारी स्कूल शानदार बना देंगे, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी मेरी। और जितने प्राइवेट स्कूल हैं, इन्होंने लूट मचा रखी है, मचा रखी है कि नहीं मचा रखी, गुंडागर्दी मचा रखी है। जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं, लाइब्रेरी फीस, डेवलपमेंट फीस, पिकनिक फीस, फलानी फीस, ढिमका फीस, जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। दिल्ली के अंदर 10 साल से स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी हम लोगों ने। जो गुंडागर्दी मचा रखी है उसको, प्राइवेट स्कूलों वाली गुंडागर्दी को बंद करेंगे। जितने टीचर हैं, कच्चे टीचर हैं, उन सारे कच्चे टीचरों को पक्का करेंगे। अभी अभी पंजाब में 12,000 कच्चे टीचरों को पक्का करा है भगवंत मान साहब ने। और टीचरों से केवल टीचिंग का काम करवाया जाएगा, शिक्षा का काम कराया जाएगा, दूसरे उलट सुलट काम जितने हैं वो काम बिल्कुल नहीं कराए जाएंगे। तीसरी गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी। आज अगर घर में कोई बीमार हो जाए, छोटी मोटी भी बीमारी हो जाए, 4-5 हजार रुपए तो कहीं नहीं गए डॉक्टर के यहां। और अगर भगवान ना करे किसी के घर में कोई बड़ी बीमारी हो जाए, प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, सारी जमीन बिक जाती है, सारे गहने बिक जाते हैं, सब कुछ बिक जाता है। और सरकारी अस्पतालों के अंदर बुरा हाल है, ना मशीनें काम करती, ना डॉक्टर मिलते, ना दवाइयां मिलती, ना टेस्ट मिलते, बस डॉक्टर कुछ लिख देता, कहता बाहर से करा लो, है कि नहीं है, कुछ नहीं होता। पहले दिल्ली में भी ऐसे ही होता था, पहले पंजाब में भी ऐसे ही होता था, सारे सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था। आज दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके देख लो, सारे एयर कंडीशनड सरकारी अस्पताल बना दिए, शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, और पूरा इलाज मुफ्त कर दिया, गरीबों का भी अमीरों का भी। हम ये नहीं देखते कि बीपीएल कार्ड है, ये कार्ड, कुछ नहीं। आप इंसान हो, चाहे दिल्ली के रहने वाले हो, चाहे दिल्ली अगर आप जाओगे इलाज कराने के लिए, दिल्ली में किसी भी अस्पताल में चले जाना, आपसे ये नहीं पूछेंगे आप दिल्ली के रहने वाले हो कि छत्तीसगढ़ के, किसी भी अस्पताल में चले जाओ, आपका सारा इलाज मुफ्त होगा। आपको 10 रुपए की क्रोसिन की टेबलेट भी मुफ्त मिलेगी, टेस्ट भी मुफ्त होंगे। आपका अगर 20 लाख रुपए का ऑपरेशन भी है, ट्रांसप्लांटेशन भी है, वो भी पूरा का पूरा मुफ्त होगा दिल्ली के अंदर। छत्तीसगढ़ में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर हमने गली गली मोहल्ले में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए कि अगर बड़ी बीमारी हो तो आप अस्पताल जाओ, छोटी मोटी बीमारी खांसी जुखाम के लिए बड़े अस्पताल जाने की क्या जरूरत है। हर गली में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, और जितने बड़े सरकारी अस्पताल हैं उन सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाएंगे, और सबका इलाज मुफ्त होगा, इलाज भी, टेस्ट भी, दवाइयां भी, सब कुछ मुफ्त होगा। चौथी गारंटी, रोजगार की गारंटी। दिल्ली में हमने लगभग 2 लाख सरकारी नौकरियां दी और 12 लाख प्राइवेट नौकरियां दी हैं दिल्ली में। पंजाब में अभी मान साहब ने बताया 30,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे चुके हैं पिछले 1.5 साल में, और अभी 3 लाख के करीब प्राइवेट नौकरियां तैयार हो रही हैं पंजाब के अंदर। नौकरी देनी आती है हमें, हमारी
मंशा है नौकरी देने की, तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम करेंगे, रोजगार का इंतजाम करेंगे। इस बात की गारंटी देके जा रहा हूं, कोई दूसरी पार्टी आपको ये गारंटी नहीं देगी, कोई पार्टी आपके घर की बात ही नहीं करेगी, आपके बच्चों की बात ही नहीं करेगी। तो हर बेरोजगार व्यक्ति के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक 3,000 रुपए महीना हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और जितनी सरकारी नौकरियां होती हैं, सरकारी नौकरियों में बिना पैसे दिए मिलती है सरकारी नौकरी, बिना सिफारिश के मिलती है, अब मिलेगी। रिश्वत भी नहीं देनी पड़ेगी, सिफारिश भी नहीं करनी पड़ेगी। पंजाब में 30,000 सरकारी नौकरियां दी हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुए, कोई सिफारिश नहीं चली, कोई रिश्वत नहीं चली, मेरिट के आधार पे 30,000 बच्चों को नौकरियां दी हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ में भी होगा। महिलाओं के लिए गारंटी, मैं सुनता हूं बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता के महिला सशक्तिकरण बड़े भाषण देके जाते हैं। असली सशक्तिकरण तो तब होगा जब जेब में पैसे होंगे, नहीं तो सारी सशक्तिकरण की बातें फर्जी हैं। जेब में पैसे होंगे तभी तो सशक्तिकरण होगा। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000-1,000 रुपए उसकी जेब में डाले जाएंगे। बहुत महिलाएं हैं, बहुत बेटियों को मैं जानता हूं, स्कूल से पास आउट होती हैं, कॉलेज में एडमिशन मिल गया, कॉलेज बहुत दूर है, जा नहीं सकती, और उनकी पढ़ाई छूट जाती है। अपने समाज में ऐसे ही है ना, घर में एक बेटा हो एक बेटी हो, बेटी की पढ़ाई छुड़वा लेते हैं, पैसे नहीं हो तो बेटे को पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चियों की पढ़ाई चालू रहेगी। बहुत सारे लोगों को जब जानता हूं जो पैसे की वजह से अपने बच्चों को ठीक से खाना नहीं खिला पाते। 1,000 रुपए महीना कम नहीं होता, बहुत होता। 1,000 रुपए महीने से महिलाओं को बहुत फायदा होगा। उसके बाद है तीर्थ यात्रा की गारंटी। जैसा भी मान साहब ने बताया, अभी अभी पिछले हफ्ते मैं एक ट्रेन शुरू करी दिल्ली से, हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए भेजते हैं। 12 स्थान है, द्वारका जी, रामेश्वरम, शिरडी बाबा, अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश, इस तरह से करके 12 स्थान है। कोई आदमी कोई भी एक स्थान उसमें से चूज कर ले, उसकी फिर ट्रेन जाती है। आपका आना जाना खाना पीना रहना सब कुछ फ्री, एयर कंडीशन्ड ट्रेन में लेके जाते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं, आपको घर से लेने आपके बस आती है, स्टेशन लेके जाती है, ट्रेन में बिठाते हैं, वहां रुकवाते हैं, वहां से भी बस का इंतजाम है। आपको अपनी जेब से एक नया पैसा खर्च नहीं करना। अभी तक दिल्ली में मैं 73,000 लोगों को तीर्थ यात्रा करा चुका हूं। आप मौका देंगे तो छत्तीसगढ़ के बुजुर्गों को भी तीर्थ यात्रा कराएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़। पहले दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार था, पंजाब में बहुत भ्रष्टाचार था। हम जो इतनी सारे वादे करते हैं, बिजली फ्री कर देंगे, स्कूल खोल देंगे, अस्पताल खोल देंगे, इलाज मुफ्त कर देंगे बच्चों को, पैसा कहां से आएगा? पैसा यहीं से आएगा। इतना करप्शन है मैं बता नहीं सकता। जब मैं सरकार में नहीं था मेरे को यही लगता था कि यार, लेकिन सरकार में आने के बाद मैंने देखा कि पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है इन लोगों के। बहुत है पैसा, तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, खूब पैसा आएगा। और दूसरा, आप जब अपना काम कराने जाते हो तहसीलदार के पास, पटवारी के पास, बिना पैसे के काम होता है? नहीं होता ना। अब ऐसा सिस्टम बनाएंगे आपको अपना काम कराने वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली में हमने कर दिया,
अब पंजाब में करने जा रहे हैं, हमने एक फोन नंबर दे दिया दिल्ली में, 1076 नंबर है, उस पर फोन करो, बोलो जी मेरे को जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। वहां से आवाज आएगी कितने बजे आए आपके घर आपका जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, और फिर दिल्ली सरकार से कोई अफसर आपके घर आता है आपका काम करने के लिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमने दिल्ली में कई दफ्तरों पे ताला लगा दिया, अब दफ्तर की जरूरत नहीं है, अब घर पे काम होते हैं आपके। यही छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। शहीदों के सम्मान में जो जो छत्तीसगढ़ पुलिस के कर्मचारी अफसर ड्यूटी पे काम करते हुए शहीद होंगे, या छत्तीसगढ़ का रहने वाला कोई भी व्यक्ति फौज में अगर शहीद होगा, दिल्ली में पहले उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन दिया करते थे, बताओ इससे बड़ी बेइज्जती हो सकती है कोई। हमने 1 करोड़ की राशि देना चालू किया उन लोगों को। छत्तीसगढ़ में भी जो जो शहीद होंगे, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस वाला या छत्तीसगढ़ में रहने वाला कोई भी सैनिक फौज में अगर कोई शहीद होगा, उसके परिवार को 1 करोड़ मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। 9वीं गारंटी, बहुत सारे कर्मचारी कच्चे हैं, ठेके पे हैं, उन सबको पक्का किया जाएगा। मुझे बताया गया बहुत धरने पे बैठे रहते हैं बेचारे, बहुत मांग करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, उन सबको पक्का करेंगे। अभी 25,000 से ज्यादा कर्मचारी उसमें पंजाब में इन्होंने पक्के किए हैं। और आखिरी गारंटी किसानों और आदिवासी समाज के लिए, लेकिन इस आखिरी गारंटी का इंतजार करना पड़ेगा, मैं दोबारा आऊंगा। ये बहुत बड़ी गारंटी है किसानों की और आदिवासी समाज की, बहुत बड़ी गारंटी है। आज नहीं बोल के जा रहा, दोबारा आऊंगा, सभा करेंगे, उसमें इसी के ऊपर बात करेंगे, किसानों के ऊपर और आदिवासी समाज के ऊपर। तो ये 10 गारंटी है, केजरीवाल की गारंटी है, पक्की गारंटी है, दूसरे नेताओं की तरह नहीं है। आप लोगों से मेरी बस गुजारिश ही है, हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, हम नेता नहीं है, हम आम लोग हैं, आम लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई है, आप ही की तरह हैं, हमें राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है। एक बार राजनीति छोड़ के काम के लिए वोट दे के देखो। दिल्ली के अंदर अब माहौल ही हो गया कि लोग कहते हैं 50 साल अब आम आदमी पार्टी की सरकार को कोई हिला नहीं सकता। पंजाब में लोग कहते हैं 50 साल कोई आम आदमी पार्टी को हिला नहीं सकता। एक मौका दे दो छत्तीसगढ़ में, बाकी सारी पार्टियों को भूल जाओगे। भारत माता की। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।